और भी गंडबोल्ड में अब आप देखेंगे ट्रेंडिंग खबरें। दिवालिया घोषित होगी गो फर्स्ट एयरलाइन। NCALT ने गो फर्स्ट की याचिका को दी मंजूरी। कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किया सस्पेंड। कंपनी के नियमित खर्च के लिए 5 करोड़ रुपए भी देने होंगे। NCALT ने गो फर्स्ट के परिचालन की जिम्मेदारी एंटनिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दी है। 19 मई तक सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। DGCA का आदेश, यात्रियों का पैसा फौरन वापस किया जाए। और अगली खबर यह कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग देखने को मिली है। फ्लाइट सिंगापुर जा रही थी और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी मलेशिया में उतारा गया इंडिगो एयरलाइंस का विमान। विमान में जलने की बदबू आने पर इसे उतारा गया। तकनीकी जांच में हालांकि कोई खराबी नहीं मिली। तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर के लिए जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यह कि बेंगलुरु में बनेंगे एप्पल के आईफोन। अब देश में बेंगलुरु में बनेंगे एप्पल के आईफोन। 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने यहां जमीन खरीद भी ली है। 300 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा यह प्लांट। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है फॉक्सकॉन। तेलंगाना में भी प्लांट लगाया जाने वाला है फॉक्सकॉन की तरफ से। $200 मिलियन तेलंगाना में भी इन्वेस्ट किए जाने वाले। और अब आपको अगली बिग एंड बोल्ड खबर की तरफ ले जाने वाला हूं। ये खबर जो आपकी तकदीर से ताल्लुक रखती है। नौकरी दिलाने का दावा करने वाली कंपनी करेगी छटनी। 716 लोगों को नौकरी से निकालेगी लिंक्डइन। सेल्स और ऑपरेशंस टीम से की जाएगी छटनी। सपोर्ट टीम से भी छटनी करेगा लिंक्डइन। लिंक्डइन जो नौकरी दिलाने वाली साइट है वहां से भी लोगों की छटनी। हालांकि आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि रोजगार के मौके कहां कहां हैं और कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, फेसबुक और ट्विटर की तरह गूगल भी देगा ब्लू टिक। जीमेल के लिए गूगल जारी करेगा यह ब्लू टिक। गूगल ब्रांड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को दिया जाएगा ब्लू टिक। आज गूगल का सबसे बड़ा इवेंट, पिक्सल टैबलेट और पिक्सल फोल्ड लॉन्च करेगी कंपनी। और देश में लिथियम का बड़ा भंडार राजस्थान में मिला है। राजस्थान के नागौर जिले में मिले इस भंडार को महाभंडार की संज्ञा दी जा रही है। इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी और बड़े वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। क्या मायने हैं इसके, क्या फायदे होंगे इससे, आइए आपको बहुत जल्दी से समझाता हूं। इंडिया में लिथियम का महाभंडार, नागौर के डेगाना में लिथियम का यह भंडार मिला है। तमाम दुनिया में इस समय बैटरी का चलन है और बैटरी के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो लिथियम। देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार यहां मिला है। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार से ज्यादा बड़ा भंडार है ये। देश की 80% डिमांड पूरा करने की इस अकेले भंडार में क्षमता है। रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है और चीन पर निर्भरता में इससे कमी आएगी। सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और उपकरण, क्योंकि देश में ही लिथियम मिल जाएगा, देश में ही इसको बैटरी में लगाया जा सकेगा। निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी, लिहाजा मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देश के लिए बहुत अच्छी खबर। लिथियम खोज में भारत का दुनिया में अब तीसरा नंबर हो गया है। अब तक 9 लाख टन के तक के भंडार यहां पाए जा चुके हैं। और अब आपको अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में प्लेन क्रैश हुआ तो इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय बहुत देखी जा रही है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में भीषण विमान हादसा हुआ। पस्तांजा प्रोविंस में एक छोटा विमान जंगलों में क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और विमान में सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। विमान के क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। दमकल और राहत टीमों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और धधक रही आग पर काबू पाया। आग काबू किए जाने के बाद विमान में सवार लोगों की तलाश की गई। मलबे से 2 शव बुरी तरह जली हुई हालत में बरामद किए गए जबकि एक महिला भी कराहती हुई पाई गई। महिला को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। विमान हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमैटो को मार्केट में झटका लग सकता है क्योंकि सरकार समर्थित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर 27% सस्ता खाना मिल रहा है। जहां स्विगी जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स 25-30% कमीशन लेते हैं वहीं ONDC सिर्फ 3-5% चार्ज करता है। इसीलिए कस्टमर को यहां ऑर्डर करने पर फायदा हो रहा है।
बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर से गुजरता चक्रवात मोचा भयंकर तूफान की शक्ल ले चुका है। पूरे अंडमान निकोबार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्री तट पर 11 मई तक भारी बारिश और 12 मई तक चक्रवात के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। शेयर बाजार आज 178 अंक की उछाल के साथ 61,940 पर बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मा के शेयर में करीब 32% की तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर से ग्राहकों को पहले दिन ही 345 रुपए तक का फायदा मिला। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है पर विवाद शुरू हो गया है। 8 मई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद आसाराम बापू ट्रस्ट ने फिल्म मेकर्स को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में आसाराम बापू की गलत छवि दिखाए जाने का जिक्र किया गया है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 112 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन और रेडियोग्राफर पद के लिए हैं। इन पदों के लिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट vssc.gov.in पर 18 मई तक ऑनलाइन जाकर आवेदन किया जा सकता है।